हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। आज 4 बजे शाम में आपसे डिटेल में बात होगी कि ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, और इत्तेफाक़ की बात है कि दोनों पार्टीज़ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के एलाइज रहे हैं। वाजपेयी जी के ज़माने में एलाई थे, फिर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में एलाई थे। उनके ऊपर जो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेंशन अब उनका फर्दर एक्सटेंड किया गया है, उसकी लीगैलिटी पे बात होगी कि क्यों ये डिटेंशन वैलिड है, किस लॉ के तहत ये डिटेंशन वैलिड है, और ये लॉ पीएसए, मीज़ा, यूपा, पोटा, टाडा, ये लॉज जो हैं क्यों ब्लैक लॉज कहलाते हैं। रॉलेट एक्ट की बात होगी। आपको मालूम है कि जलियांवाला बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो रॉलेट एक्ट के तहत कर रहे थे। गांधी जी की जो पूरा सियासत पर वो छा गए इंडिया की, वो रॉलेट एक्ट की जो उन्होंने अपोजिशन की थी उसकी वजह से वो छा गए थे। और आपको ताज्जुब होगा कि कॉलोनियल मास्टर्स अंग्रेज़ हमारी प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने रॉलेट एक्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया, और फाइनली 1922 में यानी 3 साल के अंदर अंदर उसको रिपील कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ आज भी उस तरह के ब्लैक लॉज हर स्टेट में हैं, और वो ड्यू प्रोसेस के मेरे हिसाब से वॉयलेशन है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल वीडियोस पे ज़रूर देखें, ख़ास तौर से वो लोग जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, उनको बहुत हेल्प होगी अपने एग्ज़ाम में।